हेलो एवरीवन, मैं हूँ रवि स्वामी और स्वागत है आपका कैडीमेट स्टूडेंट कॉर्नर में। तो जैसा कुछ कैडीमेट के स्टूडेंट हैं, उन्होंने डिमांड करी है कि लाइक सर, ये वाला ऑब्जेक्ट है, उनको कुछ डाउट है तो ये उनको मिलना चाहिए। तो मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट आज हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो यहाँ गिवन है, 6 डायमीटर यहाँ पर दे रखा है। यहाँ से आता है इसकी हाइट है 7 और इसकी हाइट है 4। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अंदर एक सर्कल और है 1 रेडियस का, और यहाँ नीचे से इसकी हाइट यहाँ पर 1 दे रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप चाहो तो डायरेक्टली एक शूट ले सकते हैं, और मैंने प्लेन चूज किया इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, राइट प्लेन। यहाँ पर मैं डायरेक्टली एक स्लॉट लूँगा, ठीक है, एंड टू एंड वाला। इसके थ्रू आप काम कर सकते हो। आप इसकी डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसकी रेडियस दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रेडियस इसकी 6 दे दी, और यहाँ से जो ये वैल्यू है ये मैं दे देता हूँ 4। और ये जो रेडियस नहीं, ये डायमीटर है, तो हम इसकी रेडियस दे देते हैं 6 और 3, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमें जो एक और यहाँ पर स्लॉट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने वहाँ देखा था, तो यहाँ इसके सेंटर से ही और थोड़ा सा अप तक हम क्या करते हैं, एक ये स्लॉट तैयार करते हैं, जिसकी नीचे से, बेस से और इस पॉइंट तक जो वैल्यू है वो है 1, और इवन इसकी रेडियस भी है वो भी है 1, ठीक है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको मैं ऑब्जेक्ट को क्लोज करूँगा, क्योंकि मुझे इतना ही रिक्वायर्ड है, और बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन चुका है। हम इसको एग्जिट करेंगे। आप देख सकते हैं, जैसे एग्जिट करने के बाद में हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद में हम इसको करेंगे मिड प्लेन, ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा। मिड प्लेन लेने के बाद में आप देख सकते हैं इसको कितना करना है। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू इसकी है 6, तो हम यहाँ इसको 6 वैल्यू तक हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। देन मैंने इसको Ctrl 7 किया। Ctrl 7 करने के बाद में आप देखेंगे कि मुझे कट करना है। हर किसी का अपना मेथड होता है वर्किंग का। मेरा मेथड है कि पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देन इसके बाद मैं कट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने मिड प्लेन लिया है, और यहाँ से जो वैल्यू इसको छोड़नी है वो है 1। इसके अलावा यहाँ से जो वैल्यू छोड़नी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस कर देंगे हम 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कट लेंगे। उससे पहले मैं जैसे फ्रंट प्लेन लेता हूँ, क्योंकि इसका मिड है, तो यहाँ से मैंने मिड प्लेन लिया और कन्वर्ट एंटिटी लिया मैंने, जैसे इस वाली एज को, ठीक है। तो ये आउटर एज है इसको, ठीक है, और इस वाली एज को भी मैंने कन्वर्ट एंटिटी लिया। और जैसा कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं सिर्फ ये आउटर जो एज है इसकी, कन्वर्ट एंटिटी लेंगे वापस, और जो इसकी आउटर एज है, या फिर आप ये सर्कल चूज कर सकते हैं, तो इससे आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर Ctrl 7 किया। Ctrl 7 करने के बाद में, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एंड पॉइंट मिल जाएगा, तो मैंने इसको पूरे को कर दिया 4 कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके रेफरेंस की नीड है। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया कॉर्नर वाला, कॉर्नर से रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया जैसे यहाँ तक, और इसकी मैंने वैल्यू दे दी स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से लेके और यहाँ तक की वैल्यू इसकी मैंने पुट कर दी 1, ठीक है, जैसा कि इसमें यहाँ पर गिवन है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, साथ में यहाँ पे ये कट भी है। तो हमें इसको कितना कट है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 का है, और डाउनवर्ड हमें एक ड्रॉप एक छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो देंगे वो देंगे यहाँ पर हम 2, ठीक है, और यहाँ बेस से और यहाँ तक हम जो यहाँ पर बनाएंगे इसको दे देंगे हम 1, ठीक है। इसके बाद में हमें ये कितना रखना है, तो वो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर भी गिवन है। तो जैसे जो कट करना है हमें, वो कटिंग कट वाली वैल्यू हमें यहाँ पर तो गिवन नहीं है, पर आप यहाँ से देख सकते हैं लगभग इक्वल ही है। तो हम इसको रख लेते हैं 3 तक। तो यहाँ से हम इसकी जो वैल्यू रखेंगे, यहाँ से लेके और इस एज तक की, वो रखेंगे हम 3, ठीक है। और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है, जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, हम उसको डिलीट कर देंगे। तो जैसे ये वाला लाइन अभी हमारी क्लोज एंटिटी हो चुकी है, हम जैसे इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है, ये हमारा कट हो जाएगा। तो कट किधर करना है हमें, फ्लिप अपोजिट साइड, और देन इसके बाद में डन करेंगे हम। तो ये हमारा कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारा हमारे सामने मिल चुका है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, तो ये जो राउंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर भी कट है, ये आप देख सकते हैं 1 का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ, रेक्टेंगल बोल दो या स्क्वायर बोल दो, क्योंकि 1:1 का ही हमें क्रिएट करना है। तो आप यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन और इसकी वैल्यू ले लेंगे हम 1, ठीक है,
और अगर आप डायमेंशन ज़्यादा नहीं देना चाहते तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इनको हम कर लेंगे इक्वल। ठीक है, इक्वल करने के बाद में हम इसको डन करेंगे। ठीक है, और ये जो कट है वो एंड तक हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो इसको आप टू नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो आप, या थ्रो ऑल कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। इसके बाद में हम एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसको हम एज को फिलेट कर देंगे। तो जो यहाँ पर एज गिवन है इसकी रेडियस है 1, तो 1 मैंने यहाँ पर पुट की और देन इसके बाद में डन किया इसको। ठीक है, और सॉरी ये जो वैल्यू है ये 2 है, ये ए 1 है, ये वाली 1 है, ये वाली 2 है, तो हम इसको स्क्वायर ना करके हम इसको चेंज कर देंगे थोड़ा। तो जैसे एडिट स्केच करना है मैं साथ के साथ में आपको बता भी रहा हूँ। और क्योंकि मैंने इसको क्या किया था, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इक्वल का सिंबल आ रहा है, तो इस इक्वल के सिंबल को हम यहाँ पर लेस कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू हमें करनी है 2, तो इसको डायरेक्टली हम वैल्यू दे देंगे यहाँ तक 2 और इसको हम कर देंगे डन, कंट्रोल 7। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये राउंड है, ये जिस तरह से है यहाँ पर ये सारा लगभग एक्यूरेट है, बस हमें यहाँ से 2 लेस करके और यहाँ पर इस तरह का कुछ कट लगाना है, हमें 1:1 का यहाँ चैम्फर भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड कट लेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली कट लेंगे यहाँ तक। जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से 3 है, तो ये जो वैल्यू है वो हम लेंगे यहाँ पर 3, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो भी हम लेंगे 3। ठीक है, और इसके बाद में हम इसको कम्प्लीटली कट कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पर कट किया। आप टू नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं या थ्रू ऑल यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो मैंने जैसे नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल 7 किया इसको, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1:1 का चैम्फर है, तो फ्लेट में जाएंगे या चैम्फर में लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर डायमेंशन लेंगे जो कि आपको इक्वल रखनी है, तो जैसे मैंने 1 रखा है इसको, आप क्लिक कर सकते हैं, आप फेस ना लेके डायरेक्टली एज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और देन इसके बाद में मैंने इसको डन किया, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर चैम्फर हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है रिमेनिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा रिमेनिंग नहीं है, जैसा ऑब्जेक्ट वहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी बन चुका है। तो होप आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।